लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने आज नई मुंबई के सानपाड़ा में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाया, जहां 18 से 44 साल के 500 से अधिक नागरिकों ने कोविड की वैक्सीन लगवाई। सोनखार पाम बीच कोविड वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में यह शिविर एनएमएमसी और रिलायंस हॉस्पिटल की मदद से आयोजित किया गया था। यहां टीका लगवाने वालों में युवाओं का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। निशांत भगत ने इस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि प्रभाग तभी 100% सुरक्षित हो सकता है जब सभी नागरिकों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। कोरोना को हराने के लिए सानपाड़ा के प्रभाग 68 में चल रहा यह कोविड वैक्सीनेशन कैंप है, जिसे बीजेपी नेता दशरथ भगत के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। आज यहां 18 से 44 साल के 500 से अधिक नागरिकों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। सोनखार पाम बीच कोविड वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत एनएमएमसी और रिलायंस हॉस्पिटल की मदद से महीने भर में आयोजित होने वाला यह तीसरा कैंप है। इस पर संतुष्टि जाहिर करते हुए युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि प्रभाग तभी 100% सुरक्षित होगा जब सभी नागरिकों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अब तक के 3 शिविरों के अनुभव इसका सबूत देते हैं कि हम वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। उन्होंने नागरिकों के अच्छे प्रतिसाद के लिए भी आभार जताया। जब तक लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तब तक वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। इसीलिए हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को इजीली वॉक इन उनको वैक्सीन मिले, ताकि बहुत सारे जगह पे अभी तक 18+ चालू नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। तो यही सब देख के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नाइक साहब के विचारधारा से और साथ ही साथ दशरथ भगत साहब के नेतृत्व में हमेशा हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिले और वो सुरक्षित हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि ये वैक्सीन का महत्व गवर्नमेंट जैसी बता रही है, तो वो लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। इसके लिए हम लोगों ने आवर इंटेंशन सिटीजन 100% वैक्सीनेशन, ये टैगलाइन के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हैशटैग चला रहे कि सोनखार इज वैक्सीनेटेड, ये सब हम लोग ये हमारे वार्ड के अंदर हम काम कर रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये कैंप के बाद फर्स्ट डोज सभी लोगों का पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। जैसे ही ये फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज जब भी आएगा, जैसे ही जिनका 84 डेज जिनका कंप्लीट होगा, वैसे ही वापस वो सेकेंड मूवमेंट हम लोग चलाने वाले हैं। बताना जरूरी है कि आज के वैक्सीनेशन कैंप में युवाओं का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। असल में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन की मंजूरी के बाद अधिकांश छात्र और नौकरी पेशा लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी किल्लत है। ऐसे में युवा नेता निशांत भगत ने प्रभाग में नागरिकों को उनकी सोसाइटी में ही वैक्सीनेशन की सुविधा दिलाने की कोशिश की, जो बड़ी राहत है। नागरिक भी इसके लिए बीजेपी नेता दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत का आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।